क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी मंडी एस आर कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड रीजनल सेंटर सरहिंद जिला फतेहगढ़ द्वारा सुरक्षा गार्ड के 200 पदों को भरने हेतु बेरोजगार युवाओं के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। इसके लिए निर्धारित योग्यता 10वीं पास व इससे अधिक और आयु 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक शारीरिक रूप से भी योग्य होना चाहिए तथा उनका नाम जिला मंडी के किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। एसआर कपूर ने बताया कि कंपनी द्वारा आवेदकों का चयन होने के उपरांत एक महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद चयनित आवेदकों को 13,000 से 16,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेंशन, ग्रेजुएटी, ईपीएफ, बीमा इत्यादि लाभ भी दिए जाएंगे। उन्होंने इच्छुक आवेदकों से अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, रोजगार पहचान पत्र सहित साक्षात्कार के लिए पहुंचने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इच्छुक आवेदक साक्षात्कार के लिए 24 नवंबर को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी, 25 नवंबर को उप रोजगार कार्यालय सुंदरनगर, 26 नवंबर को उप रोजगार कार्यालय नेरचौक, 27 नवंबर को उप रोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर और 28 को उप रोजगार कार्यालय गोहर आ सकते हैं। साक्षात्कार प्रातः 10 बजे से आरंभ होंगे। साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड सेंटर पंजाब जिला फतेहगढ़ साहब द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 200 पद जो है भरे जाने हैं और इसके लिए केवल पुरुष एवं उम्मीदवार जो है वो ही पात्र होंगे और इसके लिए जो है योग्यता 10वीं पास रखी गई है। एज आयु सीमा जो है इसके लिए 21 से 37 के बीच होनी चाहिए और जो चाहे जिस जो आवेदक इसमें सेलेक्ट होगा उसको 13,000 से लेकर के 16,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेंशन, ग्रेजुटी, ईपीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंस इत्यादि लाभ भी दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो साक्षात्कार होंगे वो क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी में 24 नवंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा, उप रोजगार कार्यालय सुंदरनगर में 25 को शुरू होगा, उप रोजगार कार्यालय देर चौक में 26/11/2020 को शुरू होगा, जोगिंदर नगर में 27/11/2020 को होगा, उप रोजगार कार्यालय गोर में 28/11/2020 को होगा।